बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। तेल का खेल निराला है, इसमें जिसने भी हाथ डाला वह मालामाल हो गया, ठगा गया तो सिर्फ उपभोक्ता। पूरी और दिनों दिन तेजी से बढ़ती कीमत देता है, लेकिन उसे मिलता है मिलावटी व निर्धारित मात्रा में कम तेल। इतना सब न पहले कभी रुका और न ही आगे रुक पाएगा, कहना मुश्किल होगा। लेकिन तेल माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका पता इस बात से चलता है कि मेरठ में उन्होंने बिना कागजात वे कंपनी का नाम घोषित किए अवैध रूप से पेट्रोल डीजल पंप चालू कर दिया। सारे खेल का मास्टरमाइंड सचिन गुप्ता समेत 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट जरूर दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इसे लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेल माफियाओं की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा पिछले दिनों तत्कालीन IG आलोक सिंह के निर्देशन में चले अभियान के दम तोड़ने से लगाया जा सकता है। तब 2 केमिकल फैक्ट्रियों पर मारे गए छापे में तेल के इस काले खेल का खुलासा हुआ था। इस भंडाफोड़ के बाद अब तेल माफियाओं ने अपना ठिकाना दादरी बना लिया है। बताया जा रहा है कि अब यहीं पर मिलावटी पेट्रोल व डीजल बनाकर आपूर्ति किया जा रहा है। वहां से टैंकरों के माध्यम से गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली व सहारनपुर आदि में सप्लाई किया जाता है। बता दें कि 3 दिन पहले ADM सिटी मेरठ ने कंकड़खेड़ा थाना इलाके के पठानपुरा में फर्जी पेट्रोल पंप संचालित होते पाया था। गंभीर बात यह है कि सब कुछ गोपनीय था, लेकिन पंप मालिक फरार हो गया था। वहां मौजूद लोग पंप किसका है, किस कंपनी का है आदि किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। मौके पर मौजूद तेल सॉल्वेंट जैसा पदार्थ बताया गया था। बाद में आपूर्ति विभाग ने 4 लोगों, गौरव पुत्र बच्चा सिंह निवासी अलीगढ़, अंकुर पुत्र रणवीर जागृति विहार मेरठ और सचिन गुप्ता पुत्र छोटेलाल निवासी रतनपुर भोला झाल, कपिल पुत्र ननवा निवासी मवाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। उधर भाजपा नेता राहुल ठाकुर का कहना है कि तेल माफिया सचिन गुप्ता इस पूरे खेल का सर्वे सर्वा है। उसका नाम पहले भी सामने आ चुका है, लेकिन वह हर बार पुलिस से बच जाता है। राहुल ने इस संपूर्ण प्रकरण व सचिन आदि की संपत्ति की जाँच CBI या STF से कराने की भी मांग की है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।